हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं मूंगफली धो रही हूँ, मुझे उबालनी है इसीलिए। तो ये मूंगफली गांव से आई हुई थी, बहुत मिट्टी लगी थी इनमें, तो मुझे उबालनी थी। पर मैं ना इनको पहले से भिगोना भूल गई थी। यदि थोड़ी देर पहले भिगोने रख देती ना तो सारी मिट्टी गल के निकल जाती, बट मैं भूल गई और अभी मुझे उबालने के लिए रखनी थी, तो मैं तुरंत ही धो रही थी। तो 2 से 3 पानी में मैंने इसको धो लिया था, लेकिन मिट्टी नहीं निकली थी। सारा जो पानी है ना, बिल्कुल काला हो गया था मिट्टी से। वो अभी आप देखना जब मैं है ना गंजी में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, और है ना, फिर मैंने गंजी को धो के रख दिया था। बाकी जो मूंगफली थी उनको फिर से एक दो पानी से और धो लिया था, जिससे कि वो साफ़ हो जाएं। तो यहाँ पर मूंगफली साफ़ हो गई थी, और थोड़ी बहुत अब जो मिट्टी रह गई होगी ना, तो वो वैसे भी कुकर में निकल जाएगी पानी में। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मूंगफली डाल दी है कुकर में, और पानी डाल दिया है, इतना डालना है कि वो भीग जाए, डूब जाए मतलब अच्छे से। और मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक। नमक ना भी डालें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन डाल देते हैं तो उनमें थोड़ा सा है ना वो खारापन आ जाता है, जैसे उबलती है ना वो, तो थोड़ा सा उनमें खारापन आ जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और पहले तो मैं इनको भून ही लिया करती थी, लेकिन जब से मैंने इनको उबाला है ना नमक डाल के, तब से मैं उबाल कर ही खाने लगी हूँ। इनका टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उबलने के लिए रख दी है मूंगफली, और वो होंगी तो उससे पहले मैं रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था तो चाय पीने का मन करता ही है। तो चाय को रख दे रही हूँ मैं बनने के लिए, वो पकेगी। तब तक ये जो बर्तन हैं उनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी, और जो धुलने के लिए रखे हैं उन बर्तन को मैं धोकर रख दूंगी। क्योंकि जो मूंगफली लगाई है ना, तो उनमें 2 से 3 सीटी 4 सीटी भी हम ले सकते हैं, उतना टाइम तो लग जाता है। और फिर होने के बाद है ना कुकर को भी खुलने में टाइम लगेगा, तो उसको खाने में तो अभी काफ़ी टाइम था। तो तब तक मैं चाय पीऊँगी, और चाय को भी होने में अभी थोड़ा टाइम ही है, तो उस टाइम का भी मैं यूज कर लूँगी। और बर्तन को है ना धोकर रख दूँगी, क्योंकि हमारी जो सिंक है ना उसको तो बर्तन मिला हुआ ही रहता है, कि तुम्हें तो कभी खाली रहना ही नहीं है। हम कितने ही बर्तन धो के रख दें, पर एक दो बर्तन कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर है ना थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं लगे हाथ धोकर रख दे रही हूँ। ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो धोना हमें ही है, तो परेशानी हमें ही होती है। तो यहाँ पर है ना मैं बर्तन को धो दे रही हूँ, तब तक हमारी चाय पक रही है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे जो बर्तन थे वो धुल चुके हैं, और अब चाय भी पक गई थी तो छान लेती हूँ, और हम लोग पियेंगे अभी थोड़ी देर बैठ कर चाय, क्योंकि शाम की चाय है ना बहुत अच्छी लगती है, सुबह की और शाम की चाय तो अच्छी लगती ही है। तो आप लोग भी पी लीजिए, एंजॉय कीजिए। और फिर मैं आ गई थी किचन में वापस। तो यहाँ पर मेरा जो काम था अभी था हरा नमक बनाने का, मतलब जो हरा नमक है ना वो मूंगफली के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। तो उसके लिए मैंने नमक ले लिया है, तो मैं खाने में है ना सेंधा नमक ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक ले लिया था, 3 से 4 चम्मच था वो, और हरी मिर्ची डाल दी थी, तो थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है, तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा डाल दिया था मैंने जीरा, तो मैंने कच्चा जीरा ही डाला था। आप चाहें तो भुना हुआ जीरा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा जीरा भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर डाल दी थी मैंने धनिया पत्ती। तो यहाँ पर
चार अच्छा बारीक मैंने पीस लिया है। और इसमें से है ना मैं नमक जितना हम लोगों को चाहिए है उतना मैं निकाल लूँगी अभी। और उसके बाद जो नमक बचेगा उसमें जो है ना मेरे पास अमरूद रखे हुए हैं तो मैं उनकी चटनी बना दूँगी। तो अमरूद की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है इस मौसम में, सबको पता ही है, लेकिन विधान को अमरूद पसंद है। तो मैंने जो लिए थे ना उनमें से उसने सारे अमरूद खा लिए थे, बस दो ही बचे हुए थे। तो उनकी मैं बना ले रही हूँ यहाँ पर चटनी। और सिल से जो चटनी बटती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। मिक्सी में भी हम कर लेते हैं तैयार, लेकिन जो मिक्सी में बनती है ना वो एकदम बारीक हो जाती है तो उसमें उतना स्वाद नहीं आता है जितना कि हम सिल से बनाते हैं तो आता है। तो यहाँ पर मैंने सिलबट्टे पर चटनी बना ली है और अभी मैं इसको है ना यहीं पर रखती हूँ। छोटा सा है ये तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है उठाने रखने में। तो जैसे टमाटर की चटनी या कोई छोटी मोटी चटनी बनानी होती है ना, थोड़ा बहुत कुछ पीसना होता है, विशेष करके चटनी और तो कुछ नहीं। कभी कभी हरा नमक ही पिस जाता है या कभी हरा मसाला थोड़ा बहुत पिस जाता है तो वो मैं इस पर कर लेती हूँ। तो इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा कुछ पीसना होता है तब तो मिक्सी का ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने अपनी चटनी देखिए बांट ली है, मतलब पीस ली है। और अब मैं लगे हाथ जो सिल है ना उसको भी मैं धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि यदि ऐसे ही रख दो ना तो फिर इसमें कीड़े वगैरह लगने का डर हो जाता है और फिर धुलती भी आसानी से नहीं है, सूख जाती है। तो अभी तुरंत ही धो दो तो ये अच्छे से धुल जाती है। और ये देखिए यहाँ पर मूंगफली हमारी हो गई थी तो वो मैंने निकाल ली हैं। और कुकर में है ना पानी भर के रख दे रही हूँ क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह इतनी लग जाती है ना ढक्कन में उसके, कि फिर थोड़ा जब वो फूल सी जाएगी ना मिट्टी तभी वो धुलेगा अच्छे से। तो वो मैंने पानी भर के रख दिया है। और यहाँ पर मूँगफली देखिए गर्मा गर्म मैंने छील के दिखाई है कितनी अच्छी हो गई है ना। तो बस अभी ये मूंगफली लेंगे, साथ में लेंगे हरा नमक और हम लोग साथ में बैठकर इनको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मूंगफली हम लोगों ने खा ली हैं, इतनी सारी खा ली हैं सबने मिलके। और अभी ये जो बाकी बची हैं वो बाद में खाएंगे तो इनको रख दे रहे हैं अभी। और ये देखिए अभी यहाँ पर रात का टाइम हो गया है तो हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं लूडो। तो दो से तीन टर्न लूडो तो खेलते ही हैं सोने से पहले, ये हमारी आदत में ही है। चाहे मतलब कुछ भी गेम खेलें लेकिन एक आध कोई गेम तो ज़रूर खेलते हैं सब लोग मिलकर। तो यहाँ पर लूडो खेल रहे थे और मेरे यहाँ पर है ना बिल्कुल भी अच्छे अंक नहीं आ रहे थे,
तो मुझे है ना बहुत गुस्सा आ रही थी, मैं बंद कर रही थी कैमरा, तो ये लोग करने नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि नहीं हार रही हो तो कैमरा बंद कर रही हो, तो बस लगा हुआ था यही सब। और यहाँ पर देखिए किचन में जो रैक रखा हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने ये शो पीस रख दिए हैं, काफ़ी दिन से लिए हुए रखे थे बट मैंने अभी तक नहीं रखे थे। बहुत सुंदर ये लगते हैं, कलरफुल हैं, और वैसे तो ये फोक हैं बच्चों को देने के लिए, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, लेकिन प्लास्टिक के हैं तो हाइजीन के हिसाब से हम नहीं दे सकते हैं बच्चों को। और वैसे ये इतने नाजुक हैं, मतलब इतने मजबूत नहीं है कि बच्चे इससे खेल सकें या कुछ भी, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, चिपके हुए हैं दोनों, तो इसलिए मैंने इसको है ना यहीं पर रख दिया है, और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।